हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैप्स एंड फिल्टर्स जावास्क्रिप्ट में होते क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे, ठीक है। इट रिटर्न्स अ न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ द फंक्शन अप्लाइड टू ईच एलिमेंट। सबसे पहली बात है कि इट क्रिएट करता है न्यू एरे by applying a provided function to each element of the original array. Suppose मान लो कि मेरे पास एक number, एक array है, ठीक है, numbers.map। अब जब हमने क्या कर दिया, numbers.map कर दिया, तो हर एक element इसमें आ गया हमारे पास num में, तो num के साथ क्या कर दिया, multiply कर दिया 2 के साथ। तो ये iteration के लिए भी use होता है, ठीक है। numbers.map इसमें जो भी वैल्यू, इसका नंबर, जो भी इसका नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसका हम इंडेक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, किसका पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है। जिस तरीके से फॉर लूप में हम आइट्रेट करते हैं, उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन को भी एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल एरे रिमेन्स अनचेंज। जब आपको चाहिए कि ओरिजिनल एरे एज इट इज का एज इट इज ही रहे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज कर लो, मैप यूज कर लो, उसको आइट्रेट करवा लो, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो आप करवा सकते हो, ठीक है। फिल्टर, नाम से पता चलता है कि ये फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। सपोज मान लो कि आपका लॉजिक है, ठीक है, कि मुझको वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जो 2 से डिवाइड हो गए हैं और बाकी वाले रिकॉर्ड्स जो बच गए हैं वो चाहिए, तो उस केस में ये शॉर्ट सिंटेक्स फिल्टर वाला यूज हो जाता है, ठीक है। और ये ECMA के दोनों है, मैप और फिल्टर। फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट्स दैट पास अ प्रोवाइड टेस्ट फंक्शन। इसमें आपको एक टेस्ट फंक्शन पास करना होता है। लाइक सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर, एक एरे लिया है, एरे को फिल्टर किया है किससे, नम डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो वाले ही क्या हो, यहाँ पे रिटर्न हो। तो 2 और 4 क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न हुआ है, ठीक है। सेम हमने क्या किया, मैप फंक्शन में जॉन, एलाइस, बॉब को रखा इसमें और सारे को अपर केस में क्या कर दिया है, रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड में क्या किया, हमने एक एरे लिया है, ठीक है, और फिल्टर कर दिया है जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है वो वाले ही रिटर्न हो। तो फिल्टर में आपको टेस्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको मैप फंक्शन में जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराना है या कुछ भी करवाना है वही आपको रिटर्न होगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों का ये है कि दोनों मतलब मेन डिफरेंस है कि दोनों के दोनों एक तो नया एरे ही क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। फिल्टर में आपका टेस्ट फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। और जो हमारा मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन में हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको आइट्रेशन करवानी हो तो आप मैप फंक्शन को भी यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मैप और फिल्टर के ऊपर टॉपिक, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैप बेसिकली करता क्या है और फिल्टर्स हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड है, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है दोनों का दोनों, जब चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।